कोरोना वायरस के चलते हमीरपुर में कर्फ्यू के दौरान प्रवासी लोगों को राशन की कमी ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तरह कमर कसी हुई है। जिला प्रशासन ने जिला के सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रवासी मजदूरों को लॉकडाउन के दौरान राशन प्राथमिकता के तौर पर घर पर मुहैया करवाना सुनिश्चित करें। हमीरपुर उपायुक्त हरिकेश मीणा के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पूरे जिला में कर्फ्यू के नियमों का पालन किया जाए, इसके लिए पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जिला भर में 20,000 के करीब प्रवासी मजदूरों की तादाद है जिन्हें प्रशासन राशन देने के लिए जुटा है ताकि मजदूर वर्ग घर से बाहर ना निकले। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने बताया कि जिला भर में प्रवासी मजदूरों को राशन दिए जाने की मुहिम चलाई गई है ताकि कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन हो सके। उन्होंने बताया कि सभी उपमंडल अधिकारी भी अपने अपने उपमंडलों में बढ़िया काम करके कर्फ्यू के नियमों के तहत राशन वितरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा प्राथमिकता के तौर पर प्रवासी मजदूरों को राशन दिए जाने के लिए योजना के तहत काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला में 20,000 के करीब प्रवासी मजदूर दिहाड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं और इस आपदा की घड़ी में मजदूरों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पा रही है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कदम उठाते हुए इन मजदूरों को घर पर ही राशन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग जो लेबर है बाहर से, हमारा जो आंकड़ा है वो 20,000 को टच किया है। जो जहाँ भी छूट रहे हैं ग्राउंड पे रिपोर्टेड कुछ है, अगर बढ़ता भी है 2-5-10% तो उसको काउंट करके हम ले रहे हैं कि लगभग 6,000 के आसपास फैमिली या जो 20,000 प्लस 22 उसको हम कवर कर रहे हैं। तो हमने 70-80% का राशन, जो एक स्टैंडर्ड किट हम डिफाइन कर रहे हैं, इसमें 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दो तरह की दाल, 1 लीटर तेल की जो बोतल, 1 किलो नमक, थोड़ा मसाले और जहाँ पॉसिबल है हम कुछ सब्जी आलू के रूप में दे देते हैं। तो कई सब डिविजन्स ने साबुन भी दिया है कि सो जो पर्पज है इसका क्लीन ऑफ हैंड्स, और वो कर रहे हैं। तो जो 21 डेज का लॉकडाउन पीरियड है जिसमें हमारे प्रवासी मजदूर यहाँ काम करते हैं, करते रहे हैं, और उनमें ऐसा माहौल क्रिएट नहीं हो कि हमको घर भगना है और ऐसी कोई सिचुएशन है, तो हम हमारे सारे सब डिविजन्स अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी प्रधानों ने भी, क्योंकि हमारे पंचायत लेवल की डिसास्टर मैनेजमेंट कमेटियाँ बनी हुई हैं, उसमें मेंबर्स हैं, सेक्रेटरी, और हमारे रेवेन्यू की टीम भी है, पटवारी, कानून को, तहसीलदार, तो हम सिस्टमेटिक ढंग से बन के और जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ हम लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं। क्योंकि ये ऐसा माहौल है जहाँ हम लोग नहीं चाहते हैं कि कर्फ्यू का वायलेशन करके लोग रोड पे आए और जो बेसिक पर्पज डिफीट हो कि उनमें से कोई वन जगह से दूसरी जगह कैरियर हो वायरस का। अभी